आज हम बात करेंगे कि कनाडा में कौन कौन सी फील्ड में कितनी कितनी फाइल्स पेंडिंग पड़ी हैं। अगर मान लीजिए आपने स्टडी परमिट लगाया तो उसमें कितनी फाइल्स पेंडिंग है, ओवरऑल कितनी फाइल्स पेंडिंग है, और आने वाले टाइम में क्या क्या स्टेप्स ले रही है कनाडा इमिग्रेशन, और कब ये जो प्रोसेसिंग टाइम है कम होने की उम्मीद है, और आपकी कैटेगरी कौन सी है, चाहे आपने स्टडी परमिट में अप्लाई किया, चाहे आपने वर्क परमिट में अप्लाई किया है, चाहे आपने टूरिस्ट या विजिटर वीजा के लिए अप्लाई किया, चाहे आपने ओपन वर्क परमिट में अप्लाई किया, सबका मैं बताऊंगा कि कितनी कितनी फाइल्स पेंडिंग है, प्लस उनका प्रोसेसिंग टाइम कैसे कम होगा, इस सबके बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे। बेल्स ओवरसीज, द साउंड ऑफ योर फ्यूचर। हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से। जैसा कि कनाडा में बहुत सारे जो इमिग्रेंट्स हैं वो वेट कर रहे हैं अपने रिजल्ट्स की, तो कनाडा में जो बैकलॉग है वो अप्रोक्स 21 लाख को भी क्रॉस कर चुका है। ये एक ऑथेंटिक फिगर है जो मई 2022 तक की है। जो टोटल फाइल्स पेंडिंग है वो है 21,30,385। उसमें से जो सबसे ज़्यादा फिगर है वो है टेम्प्रेरी रेजिडेंट वीज़ा की, TRV वालों की, लेकिन जो PR की फाइल्स पेंडिंग है वो है 5,30,385, और जो टेम्प्रेरी रेजिडेंट वीज़ा वालों की फाइल्स है वो है 12,07,85, यानी कि 5 लाख के अप्रोक्स PR की है, 12 लाख के अप्रोक्स वो टेम्प्रेरी रेजिडेंट वीज़ा वालों की। टेम्प्रेरी रेजिडेंट वीज़ा का मैं बता चुका हूँ, उसमें सभी आते हैं, स्टडी परमिट भी आता है, टूरिस्ट विजिटर वीज़ा भी आता है, ओपन वर्क परमिट भी आता है, ये सारे TRV के अंडर ही आते हैं। लेकिन इसमें जो सबसे अच्छी बात है कि वो है स्टडी परमिट वालों की फाइल्स कितनी पेंडिंग है। तो अगर मैं स्टडी परमिट वालों की बात करता हूं तो वो सिर्फ 1,37,000 फाइल्स पेंडिंग है, 1,37,000 स्टडी वीजा, क्योंकि स्टडी वीजा को वो प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, स्टडी वीजा का टाइम वो कम ले रहे हैं। हालांकि ये देखने में आया कि कुछ एक जो ओपन वर्क परमिट में फाइल लगी थी उनके जनवरी इनटेक के भी रिजल्ट्स आ चुके हैं, जबकि अगर कईयों के पेंडिंग है तो वो 2020 के भी पेंडिंग है, 2021 वाले भी पेंडिंग है कुछ एक केसेस, लेकिन जनवरी 2020 में जिनकी ओपन वर्क परमिट की फाइल्स लगी थी उनके रिजल्ट कईयों के देखने को मिले हैं। तो इसमें ये बड़ा सवाल आता है कि हमारे से भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि कैनेडा क्यों नहीं वन जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व करता है, क्यों नहीं वो क्यू में क्यों नहीं रिजल्ट्स देते हैं। तो इसमें बहुत सारे कारण्स रहते हैं। कारण ये होता है कि जिस वीज़ा ऑफिसर को मान लो आपकी फाइल लॉट हो गई है तो वो अगर छुट्टी पे भी चले गए तो भी उसकी फाइल दूसरे को नहीं जाती, वो जब छुट्टी से वापस आता है तब वो फाइल को असेस करता है। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण आपकी फाइल या प्रोसेसिंग में डिले होता है, और कुछ जो वीज़ा ऑफिसर होते हैं वो थोड़ा फास्ट ट्रैक पे भी काम करते हैं, कुछ स्लो में भी करते हैं, तो वो अलग अलग हर एक वीज़ा ऑफिसर का अलग अलग क्राइटेरिया रहता है। और जैसा कि अगर हम सिटीजनशिप की ही बात करते हैं तो उसकी 3,99,285 फाइल्स पेंडिंग है। तो इस तरह टोटल मिला के जो मैंने बताया कि 21 लाख के अप्रॉक्स फाइल पेंडिंग है। हालांकि अब मैं बात करता हूँ कि कनाडा ने क्या क्या स्टेप्स लिए। उन्होंने काफ़ी स्टेप्स लिए थे, उन्होंने 500 वीज़ा ऑफिसर और अपॉइंट किए थे, उनकी फंक्शनिंग भी स्टार्ट हो चुकी है, उन्होंने शिनोक सॉफ्टवेयर बनाया था, शिनोक सॉफ्टवेयर का जो वर्जन 2 बन रहा है अब वो भी कुछ ही दिनों में वो भी इम्प्लीमेंट कर देंगे। वर्जन 1 में जो जो प्रॉब्लम्स आई थी उनको जो जो लग रहा था कि ये कमियां हैं उस कमियों को दूर करके वर्जन 2 इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। 35 मिलियन ऑलरेडी इमिग्रेशन ने खर्च किया कि प्रोसेस को फास्ट करने के लिए ताकि आपको रिजल्ट्स जल्दी मिल सके। इसके बावजूद भी क्योंकि नंबर ऑफ फाइल्स बहुत ज़्यादा है, पेंडेमिक के कारण जो पिछला रश था वो तो है ही है, ऊपर से यूक्रेन का था उसमें भी काफ़ी 2 लाख के करीब तो इनके पास फाइल्स और आ गई थी यूक्रेन के कारण। कुछ इन्होंने बैकलॉग कम किया लेकिन उतनी ही फाइल्स और आ जाती हैं। आने वाले टाइम में हम उम्मीद कर रहे हैं जैसे शिनुक सॉफ्टवेयर द्वारा से ये उसको स्टार्ट होगा तो तब जो वीज़ा ऑफिसर्स होंगे उनको काफ़ी असेस ईजी हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी काम जो सॉफ्टवेयर ही करके देगा। पीछे जैसे कि सॉफ्टवेयर के कारण बहुत हल्ला हुआ था कि जो रिफ्यूजल्स है वो सॉफ्टवेयर दे रहा है। तो इसी तरह स्टडी परमिट में भी हमें देखने को मिल रहा है कि जो स्टूडेंट्स रीअप्लाई कर रहे हैं फाइल उनका रिजल्ट हफ्ते 10 दिन में ही आ रहा है, कुछ स्टूडेंट्स का 1 वीक और 10 डेज में ही रिजल्ट आ रहा है, जबकि हम बात करें कुछ की फाइल्स तो अभी भी दिसंबर की लगी हुई है और स्टडी वीजा में वो भी पेंडिंग है। तो इसलिए ये क्यू में नहीं काम करते, तो स्टूडेंट्स को सिर्फ हम वेट ही कर सकते हैं। अगर किसी का रिजल्ट्स नहीं आता तो आप वेब फॉर्म रेज कर सकते हैं, या जो मेल है दिल्ली हाई कमीशन की कनाडा की, तो
उसको भी आप मेल डाल सकते हैं, फिर भी अगर नहीं रिजल्ट्स आता तो आपको वेट ही करनी पड़ेगी और आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं है। फिर भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन रहता है आप नीचे हमें कमेंट करें, हर कमेंट का हम रिप्लाई देते हैं, या हमारे हेल्पलाइन नंबर 6292062920 पे कॉल कर सकते हैं, या हमारे जलंधर लुधियाना या बठिंडा ऑफिसेज में विजिट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बिजनेस और कॉल अस फॉर वीजा सर्विसेज, फॉलो अस ऑन आवर सोशल हैंडल्स फॉर ऑफर्स एंड न्यू अपडेट्स।